फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसमें कि हम पैल्मिटिक एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन देखेंगे। ठीक है, तो फैटी एसिड जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली ऑक्सीडाइज होते हैं प्रोसेस बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू, यानी कि जो बीटा कार्बन एटम होता है वहां पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब फैटी एसिड के बीटा कार्बन पे ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से आपके दो कार्बन फ्रैगमेंट्स और एसिटिल कोएंजाइम का रिमूवल हो जाता है। ठीक, बीटा ऑक्सीडेशन में बेसिकली थ्री स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है कि फैटी एसिड का एक्टिवेशन होता है, जो कि आपका साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद वो फैटी एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, फिर वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में आपका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो जो फैटी एसिड्स जो होते हैं आपके मैक्सिमम जो टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं वो आपको ऑक्सीडाइज्ड होते हैं बॉडी के अंदर। तो चलिए वन बाय वन स्टेप में देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला होता है फैटी एसिड एक्टिवेशन। इसमें क्या होता है कि जो पैल्मिटिक एसिड होता है उसको एक्टिवेट किया जाता है, जिससे कि वो पैल्मिटोइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थायोकाइनेज या फिर एसिल को एंजाइम सिंथेटेज के थ्रू। बेसिकली आपके दो स्टेप में होते हैं और इसमें एटीपी को एंजाइम ए और मैग्नीशियम की जरूरत होती है। फैटी एसिड फिर रिएक्ट करते हैं एटीपी के साथ, जिससे कि एसाइल एडिनिलेट यानी कि पैल्मिटिल एडिनिलेट फॉर्म करते हैं, जो कि कंबाइन करता है को एंजाइम ए से, जिससे कि वो प्रोड्यूस करते हैं पैल्मिटिन को एंजाइम। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पैल्मिटिक एसिड है। पैल्मिटिक एसिड आपको एक्टिवेट होके एसिल एडिनिलेट में कन्वर्ट होता है और फिर एसिल एडिनिलेट आपका को एंजाइम से बाइंड करके पैल्मिटिक को एंजाइम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद अब ये ट्रांसपोर्ट होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये तो साइटोसोल में हुआ। अब चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है ना मेम्ब्रेन, वो फैटी एसिड के लिए इनपॉर्मिएबल होती है, तो इसीलिए वहां पे आपका एक कार्निटिन कैरियर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसे कि कार्निटिन सटल कहते हैं, जो कि हेल्प करता है आपका एक्टिवेटेड पैल्मिटिक एसिड को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ले जाने में। और ये आपका बेसिकली होता है फोर स्टेप्स में। सबसे पहले पैल्मिटिल जो होता है पैल्मिटिल कोएंजाइम का, वो ट्रांसफर्ड होता है कैरेटिनिन, ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी पी ट्राइमिथाइल एमिनोब्यूटिरेट होता है, उससे उसके साथ ठीक है ट्रांसफर होता है जो। और ये रिएक्शन जो कैटेलाइज होती है वो एसाइल ट्रांसफरेज 1 के थ्रू होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे। ठीक, फिर आपका पैल्मिटिल कार्टिनिन फॉर्म होता है, जो कि कुछ कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है और मैट्रिक्स में पहुंच जाता है। फिर कार्निटिन पैल्मिटिल जो होता है ट्रांसफरेज 2, वो आपको कन्वर्ट कर देता है पैल्मिटिल कार्निटिन को पैल्मिटिल को एंजाइम में। ठीक, उसके बाद ये कार्निटिन रिलीज हो जाता है और फिर वो वापस आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे पहुंच जाता है फर्दर, फिर से ये प्रोसेस रिपीट करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ, मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर पैल्मिटिल को एंजाइम जो है वो आपका कार्निटिन से बाइंड करके पैल्मिटिल कार्निटिन फॉर्म किया, फिर ये कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू आपका साइटोसोल से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। ठीक, फिर जैसे ही क्रॉस करके गया वहां पे फिर आपका कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2 एक्ट करता है, जिससे कि ये कार्निटिन सेपरेट हो जाता है और फिर से पैल्मिटिल को एंजाइम फॉर्म होता है, जो कि फर्दर आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है आपका बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। ठीक, तो आपका पैल्मिटिल को एंजाइम जो है वो अब आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया है, तो वहां बेसिकली आपको फोर रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है ऑक्सीडेशन, जिसमें कि पैल्मिटिल को एंजाइम जो होता है वो आपका कन्वर्ट होता है एसिल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेस की हेल्प से, मतलब उसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है और डबल बॉन्ड फॉर्म होता है बीटा कार्बन के बीच में। ठीक, उसके बाद फिर फर्दर हाइड्रेशन होता है, मतलब कि आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन से आपका इनोइल कोएंजाइम फॉर्म हो गया, जो कि फिर आपका हाइड्रोलेज होता है डबल बॉन्ड के पास, जिससे कि बीटा
हाइड्रोक्सी एसिटिल कोएंजाइम फॉर्म होता है, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ये बीटा हाइड्रोक्सिल एसिटिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो सेकेंड ऑक्सीडेशन करता है जिसमें कि आपका NADH जनरेट होता है और बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम फॉर्म होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्लीवेज, जिसमें कि दो कार्बन फ्रेगमेंट्स जो होते हैं मिरिस्टोरिल कोएंजाइम पैल्मिटल कोएंजाइम से फॉर्म होता है और इसमें फिर एक थायोलिटिक क्लीवेज होता है जो कि बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम थायोलेज से एक्टिवेटेड होता है। ठीक, तो ओवरऑल हम पैल्मिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, पैल्मिटिक कोएंजाइम प्लस 7 कोएंजाइम ASH प्लस 7 FAD 7 NAD प्लस 7 H2O लेड्स टू 8 एसिटिल कोएंजाइम प्लस 7 FADH2 प्लस 7 NADH प्लस 7 H+। अब इस चीज को हम फ्लो चार्ट में इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले आपका पैल्मिटिक एसिड है, इसका एक्टिवेशन हुआ। ठीक, इसमें ATP जो है वो AMP और पाई से 2 पाई से यूटिलाइज हुआ। ठीक है, और यहाँ पे पैल्मिटिल कोएंजाइम सिंथेस प्रेजेंट होता है जिससे एक्टिवेशन से आपको क्या फॉर्म होगा, पैल्मिटिल कोएंजाइम। फिर ये पैल्मिटिल कोएंजाइम चूंकि आपका ट्रांसफरेबल नहीं होता है इनर मेम्ब्रेन से, तो ये जो साइटोसोल में आपका क्रिएटिनिन सफल के थ्रू क्रिएटिनिन से बाइंड करता है और पैल्मिटिल कार्निटिन फॉर्म करता है। ठीक, ये पैल्मिटिल कार्निटिन जो होता है फिर इनर मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता है विद द हेल्प ऑफ सब कैरियर प्रोटीन्स, और जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है वहां पे कार्निटिन एसिल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि कार्निटिन को पैल्मिटोइल कोएंजाइम से सेपरेट कर देता है। ठीक, ये कार्निटिन वापस आपका बाहर आउटर मेम्ब्रेन में पहुंच जाता है और फिर यहाँ पे आपका सबसे पहले पैल्मिटिल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, जिससे कि डबल बॉन्ड फॉर्म होता है बीटा पोजीशन पे और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे इनोइल कोएंजाइम बोलते हैं। फिर यहाँ पे इसका यहाँ पे आपका हाइड्रेशन होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है जिसकी वजह से आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम फॉर्म होता है। ठीक, ये बीटा हाइड्रो एसिल कोएंजाइम जो होता है फर्दर ऑक्सीडेशन में जाता है विद द हेल्प ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज और आपका बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम फॉर्म होता है। यहाँ पे फिर आपका थायोलेज जो होता है वो आपका क्लीवेज का काम करता है और जो प्रोडक्ट रिसीव होता है वो है मिरिस्टोरिल कोएंजाइम और एसिटिल कोएंजाइम। तो ये आपका पूरा बीटा ऑक्सीडेशन हो गया पैल्मिटिक एसिड का। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।